मेरा नाम डॉक्टर रेहान अशरफ है और मैं ऑलटेक पाकिस्तान में एज एन एटी मेंबर काम कर रहा हूँ। मेरे बैकग्राउंड पे आप साइलोज देख रहे होंगे क्योंकि मैं इस टाइम एक फीड मिल पे मौजूद हूँ। आज हम साइलोज के बारे में कुछ बात करेंगे कि साइलोज के बेनिफिट्स क्या है और फीड मिल में हम इसको किस पर्पज के लिए यूज करते हैं। साइलोज का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि इसके अंदर हम अपनी इन्वेंट्री या जो ग्रेन स्टोरेज है उसको बेहतर बनाने के लिए इन साइलोज का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मेजरली हम जो कॉर्न, मकई, सोयाबीन या दूसरे मील्स हम इनके अंदर स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉर्न को लें, मकई को, तो उसके कुछ पैरामीटर्स हैं जैसे मॉइस्चर है या उसकी स्टोरेज के हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज देखने को मिलते हैं, तो साइलोज में हमें वो इश्यूज को कवर, क्योंकि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है तो उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और बेहतर वे में अपना ग्रेन स्टोर कर सकते हैं। जैसे साइलोज में स्टोर करने से हमारी वेंटिलेशन मैनेजमेंट बेहतर रहती है, कॉर्न ग्रेन के जो रोडेंट या जो हमारे जानवरों का खतरा होता है कि वो उन्होंने ग्रेन्स को कुतरना है, उससे हम बच सकते हैं। सेम लाइक जो हमारे मॉइस्चर मैनेजमेंट है उसको बेहतर किया जा सकता है। रिकॉर्ड कीपिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर सेंसर्स लगे होते हैं। साइलोज दो किस्म के होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल साइलोज, और इनकी कैपेसिटी 2500 मैट्रिक टन से लेके 5000 मैट्रिक टन तक वेरी करती है। सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट साइलोज। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।